तैयारी हो गई है, नई दुनिया स्थापन भी हो चुकी है, अभी बाप आए हैं। इशारा दे रहे हैं बच्चों को, पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, पढ़ाई पढ़ करके दूसरों को पढ़ावेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। इस दुनिया में तो अभी नरक है, अभी तुम ही हो जिस संगम ऊपर हो। अगर संगम याद रहता है, भगवान याद रहता है, तो तुम संगम ऊपर हो। बाप की याद नहीं रहती है, दुखी होने लगते हो, माया तंग कर देती है, ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में से उड़ जाते हैं, तो संगम ऊपर हो या नरक में हो, फिर नरक में आत्माएं दुखी होती है। बाकी सब कलयुग में तुम संगम पर हो, तुम ना नरकवासी हो और ना स्वर्गवासी हो। बल नई दुनिया की सौगात तुमको दी है, लेकिन तुम अभी स्वर्गवासी नहीं हो और नरकवासी भी नहीं हो। ये क्या बात, अब बीच में है, हम दुखी भी नहीं होते, हम बहुत सुखी भी नहीं होते। कहते हैं ना, सुख दुख में कैसा रहना चाहिए, सुख दुख में समान रहना चाहिए। दुख पड़ता है तो रोना नहीं, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोना नहीं, और सुख मिलता है तो बहुत खुश नहीं होना। तो तुम अभी न नरकवासी हो न स्वर्गवासी हो, तुम संगमयुगवासी हो। अभी तुम ब्राह्मण हो, न शूद्र हो न देवता है। देवता कहा जाता है संपूर्ण ब्राह्मण को, तो माया अभी बीच बीच में खाती रहती है, अवस्था नीचे गिराई देती है, दुखी कर देती है। इसका मतलब अभी तुम पक्के ब्राह्मण नहीं बने। कहेंगे हाँ ब्राह्मण हो, क्यों ब्राह्मणों की तो अनेक गुरियां होती, ऊंचे के ऊंचे ब्राह्मण भी होते हैं और नीची गुरी के भी ब्राह्मण होते हैं। तो कहेंगे अभी तुम ब्राह्मण हो, जब तक ब्राह्मण पक्के ना बने तब तक पक्के देवता भी बन नहीं सकते। पक्के ब्राह्मण का ठप्पा लगना चाहिए। ब्रह्मा भगवान से अभी ब्राह्मण ब्राह्मण ही बने ना, अगर बनेंगे तो शिव बाबा से वर्षा ले सकेंगे, नहीं बनेंगे तो शिव बाबा से वर्षा इस जीवन में नहीं ले सकेंगे। बल शक्ति के दूसरे तीसरे चौथे जन्म में वर्षा मिल जाएगा, वो तो देवताओं से मिलेगा, लेकिन इस जन्म में जो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हो सन्मुख बैठ करके, अगर पूरी पढ़ाई न पढ़ी, पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, गफलत करते रहे, तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सके। माने 16 तरह संपूर्ण देवता इस जन्म में नहीं बन सके। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है, क्या कहा है, अगर शूद्रपना है तो वर्षा मिल नहीं सकता, पक्के ब्राह्मण है तो जरूर वर्षा मिलना है। बाकी कुछ न कुछ सुना, थोड़ा बहुत जिन्होंने सुना है सन्मुख आकर के, बाप के सन्मुख आकर के जिन्होंने सुन लिया, माँ के सन्मुख नहीं, किसके सन्मुख, बाप के सन्मुख आकर जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत भी सुना है, तो वो स्वर्ग में आ जावेंगे। जितना याद करेंगे उतना आत्मा की खाद जलती जाएगी। कौन सी खाद होती है आत्मा के अंदर, कौन सी खाद है,
देवान की विकारों की वो खाद जलती जाएगी। जैसे सोना होता है तो सोने में चांदी की खाद डाल देते हैं, तांबे की खाद डाल देते हैं, लोहा मिक्स कर देते हैं, तो उसकी कीमत सोने की कीमत कम हो जाती है। तो ऐसे ही ये आत्मा इसमें जैसे जैसे विकारों की खाद पड़ती जाती है वैसे वैसे आत्मा की पावर कम होती जाती है। त्रेता युग शुरू हुआ, कौन सी खाद पड़ गई? दो कला कम हुई। तो किस लिए कम हुई? जो ऊपर से आत्माएं आती हैं वो फेलियर आत्माएं आती है, क्या पक्के ब्राह्मण नहीं बने, सेमी देवता बनते हैं वो। तो जो सेमी देवता है ऊपर से आत्माएं उतरी वो ढेर की ढेर तादाद में उतरती है, 8 करोड़। सत्युग में सिर्फ 2 करोड़ आबादी थी, उनमें भी पक्के ब्राह्मण सिर्फ 9 लाख थे। 9 लाख में अधूरे ब्राह्मणों की खाद पड़ती है, फिर भी सोना कहा जाता है। फिर त्रेता युग में चांदी की खाद पड़ती है, चांदी जैसी आत्माएं जिनकी कीमत बहुत कम, कहां सोना और कहां चांदी। सोना 5-6 हजार का कितने मिलता है? 10 ग्राम। और चांदी 8-10 हजार की कितनी मिलेगी? 1 किलो। तो बहुत फर्क पड़ गया। जब द्वापर युग शुरू होता है तो तांबे जैसी आत्माओं की खाद पड़ जाती है। इब्राहिम आए, क्राइस्ट आए, जो विचार फैलाने वाली आत्माएं हैं, जो क्रोधी आत्माएं हैं, क्रोध में आती हैं, तो सारी दुनिया को एटम बमों से भून के रख देती। ऐसे ऐसे कामी और क्रोधी आत्माओं के संग के रंग में देवताओं को आना पड़ता है। तो संग के रंग की खाद पड़ जाती है, सोने में चांदी तांबा मिक्स किया जाता है ना, मिक्स किया गया माना संग का रंग लग गया। तो जितनी जितनी अग्नि को तेज करेंगे, सोने में से खाद निकलती है तो कब निकलती है? धीमी आग से खाद नहीं निकलती। कोई धीमी धीमी आग सारा दिन जलाता रहे सोने में, वो खाद उसकी अलग नहीं होगी। कब अलग होगी? जब तीखी अग्नि जलेगी। तो तीखी अग्नि के जोर से उसमें जो चांदी और तांबा मिक्स हुआ पड़ा है वो अलग हो जाएगा। ऐसे यहां यहां कौन सी अग्नि है? यहाँ योग अग्नि है। तो ये योग अग्नि जितनी जितनी तीखी करेंगे, तीव्र अग्नि हो माना उस अग्नि में भी दूसरों की याद मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरों की याद मिक्स हुई तो अग्नि तीव्र अग्नि नहीं कही जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकलेगी। अगर एक कम की जगह दूजम को भी याद किया तो खाद नहीं निकली, हो सकता है और ही चढ़ जाए। तो अभी क्या हो रहा है? अभी अवस्था नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है? नीचे गिर रही है। ये क्या बात हो गई? इतने दिनों से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अवस्था नीचे गिर रही है। इसका मतलब
क्या किया है? दूसरों दूसरों की खाद मिक्स कर ली, माने दूसरों का संग का रंग बुद्धि में ज्यादा लगाया है। और बाप जो बोलते हैं मां में एकम याद करो, वो एकम की याद बहुत थोड़ी टिकी, तो एकम की याद बहुत थोड़ी टिके और दूसरों दूसरों की याद में हम ज्यादा टाइम गवाया, तो पाप का बोझा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ गया। अब क्या करना है? अब एक को याद करना है, कैसे करेंगे? इतने साल में तो कर नहीं पाया है। क्या एकांतवासी हो जाएंगे, एकदम माउंट आबू में चले जाएंगे क्या? इसलिए एक अव्यक्त वाणी में बोला है, अपने फरिश्ता स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? कोई मूर्ति का उद्घाटन होता है तो मूर्ति के आगे पर्दा पड़ा हुआ होता है, फिर जब उद्घाटन करते हैं तो उसका पर्दा उठा देते हैं। तो पूछा ब्राह्मण से, फरिश्ता बनना है ना, इस फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता तोड़ना है या और नए नए रिश्ते जोड़ना है? क्या करना है? 63 जन्म तो नए नए रिश्ते हर जन्म में जोड़ते रहे, बुद्धि अनेकों रिश्तों में भटकती रही, इतनी भटक गई कि अभी बाप आकर के इतने वर्षों से पढ़ाई पढ़ा रहा है, नष्ट हुआ है स्मृति लब्धा की, बजाय वो नष्ट होने के और ही ज्यादा अटैचमेंट होता जा रहा। तो नष्ट हुआ कैसे बनेंगे? तो बोला अपने फरिश्ता स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? धर्मराज को बुलावे क्या है? जब धर्मराज आवेगा, चीफ जस्टिस होता है ना, चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? चीफ जस्टिस कौन है? हमारी ब्राह्मणों की दुनिया का चीफ जस्टिस कौन है? धर्मराज। ब्रह्मा वो तो अम्मा हो गई, वो तो बहुत प्यार देती है, तो जब तक प्यार देती है तब तक प्यार में तो और बिगड़ते ही रहते हैं। वही अम्मा क्या बने है? चीफ जस्टिस बन के बैठ जाए। तो चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? अपने फरिश्ता स्वरूप का अनावरण करने के लिए, तब फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता माना है फर्श की दुनिया वालों से कोई कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना इस जमीन की दुनिया में जितने भी हैं उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसे फरिश्ते कब बनेंगे? जब धर्मराज का पाठ शुरू होगा तब है? अब पहले से बन जाना चाहिए। अगर धर्मराज के डंडे लग गए तो पद नीचा हो जाएगा। धर्मराज के डंडे लगने से पद नीचा होगा या ऊंचा होगा? पद नीचा हो जाएगा। डंडे के डंडे खाओ और पदवी नीचे मिले तो डबल नुकसान हो गया। तो घाटे का सौदा करेंगे या फायदे का सौदा करेंगे? बाप को तो अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने इतनी पढ़ाई पढ़ाई
डंडे खाए हैं, टीचर की तो थू-थू तैयार हो जाएगी क्या? तो बाप कहते हैं शिव बाबा से वर्षा ले लो, ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है। ब्राह्मण किनको कहा जाता है? जो ब्रह्मा बुद्ध की बात को माने सो ब्राह्मण। और ब्रह्मा की पढ़ाई मुखी किस बात की है? ब्राह्मणों की मुख्य किस बात की पढ़ाई है? कौन सी बात में बेटे विशेष अटेंशन दिया जाता है? पवित्रता की। जो पवित्र है वो ब्राह्मण है, अपवित्र है तो शूद्र है। तो ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है, बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएगी। जितना याद करेंगे उतना खाद जलती जाएगी, तुम विकर्मा जीत बनेंगे क्या? जब सारी खाद आत्मा की जल जाएगी तब तुम विकर्मा जीत, विकर्मा जीत मानो विकर्मों के ऊपर विपरीत कर्मों के ऊपर जीत पालेंगे। विपरीत कर्म मानो श्रीमत के वर खिलाफ जो कर्म है, जो हम 63 जन्म से करते चले आए हैं, उन पाप कर्मों के ऊपर हम जीत पालेंगे, हमसे पाप कर्म नहीं होंगे जब हम पक्के ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी देवान में आते रहते हैं, देवान में आने से माया हमसे पाप कर्म करा लेती है। पाप कर्म नहीं होंगे, विकर्माजीत बनेंगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। कब चले जाओगे? जब कोई पाप कर्म नहीं होगी। देवताओं से कोई पाप कर्म होते हैं क्या? देवताओं से न पुण्य कर्म होंगे न पाप कर्म होंगे, उनको कहते हैं स्वर्गवासी देवता। न वो पुण्य कमाते हैं न वो पाप कमाते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं? हम श्रीमत पर चल करके पुण्य बहुत थोड़ा कमाए रहे हैं और माया के चपेटे में आकर के पाप ज्यादा कमा रहे हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई भी दे जा रही हूं। अरे जो 63 जन्म के ज्यादा नजदीकी होंगे उनको तो याद करना ही पड़ेगा ना। 63 जन्म लिए हैं तो 63 जन्म कोई ना कोई तो बहुत ज्यादा नजदीकी रहे होंगे, कैसे पता चले? इस बात का कैसे पता चले कि 63 जन्म में हमारे ज्यादा नजदीक कौन रहा? याद आ रही है, याद आ रही। हाँ, संगम युगी ब्राह्मण जन्म में जो ज्यादा हमारा पीछा करता है, जिसे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं फिर भी पीछा छूटता नहीं, उसकी याद आ ही जाती है क्या? उन्होंने फिल्म बनाने वालों ने गीत बना दिया। क्या गीत बनाया है? जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, एक दो बार याद नहीं आते, अक्सर करके बार बार याद आते। तो क्या करें बार बार याद ना है, उसे कैसे पीछा छुटाएं? हैं? घड़ी घड़ी धर्मराज को याद करें। वो मार मार के सारा कुसंग झाड़ देगा। आत्मा ये समझती है
कि ये हमारे बड़े सहयोगी हैं। क्या समझती है तुम्हें है? ये हमारे जन्म जन्मांतर के सहयोगी हैं, तब तो हमारा इनके साथ इतना ज्यादा हिसाब किताब है। धर्मराज कहेगा ये तुम्हारे सहयोगी नहीं है, ये तुमको जन्म जन्मांतर नीचे गिराने वाले। इस दुनिया में ऊंचा चढ़ाने वाला कोई नहीं, सब नीचे गिराने वाले। ऊंचा चढ़ाने वाला सिर्फ एक बाप है जो इस सृष्टि पर अंत में आता है, इसलिए वो कहता है मामी कम याद करो, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, पाप भस्म होंगे तो पुण्य का खाता भारी हो जाएगा। तराजू होता है ना, तराजू में एक पलड़े में पाप रखे जाए, एक पलड़े में पुण्य रखे जाए, तो पुण्यों का खाता भारी तब होगा जब पाप कर्म पाप की याद से सारे भस्म हो जाए, या तो याद से भस्म होंगे नहीं तो है धर्मराज के डंडों से भस्म होंगे। याद से भस्म हो जाए उसमें फायदा ही फायदा है, पद भी ऊंच बनेगा। इसलिए याद जो है वो याद का प्रोग्राम कभी छोड़ना नहीं चाहिए।